एक और बड़ी खबर, जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने हड़ताल की है। इस हड़ताल के चलते राजधानी में भी सफाई व्यवस्था गड़बड़ा रही है। जगह जगह जयपुर शहर में कचरे के ढेर लगने लगे हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती मजरूल के आधार पर करने के साथ ही मांग, और ऐसे में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की भी मांग। साथ ही पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है उन पर निर्णय हो चुका है उसमें राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति जारी करने की मांग। ये तमाम सारी मांगे जिसको लेकर ये कार्य बहिष्कार, और आज दूसरा दिन। कल सफाई कर्मचारी और डीएलबी के बीच भी वार्ता हुई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई। वहीं गैर वाल्मीकि समाज से सफाईकर्मी हड़ताल में शामिल नहीं है। समाज के लोग शामिल हैं लेकिन सफाई व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। दोनों ही निगमों में हेरिटेज और ग्रेटर में कार्य बहिष्कार वाल्मीकि समाज के सफाईकर्मियों की ओर से किया गया। आज दूसरा दिन रहेगा वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भारत जुट चुके हैं। भारत, दूसरा दिन है आज। हालांकि कल सफाई कर्मचारी के प्रतिनिधियों और डीएलबी के बीच बातचीत हुई लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी और उसकी वजह से आज ये दूसरा दिन हो गया है। आज क्या लगता है बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल जैति, प्रदेश भर में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और कल जिस प्रकार के हालात आपने देखे कि शहर में काफी सफाई व्यवस्था है वो खासी बाधित हुई थी। हालांकि जो गैर वाल्मीकि समाज है कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई का काम करते हुए नजर आए, इससे ज्यादा सफाई व्यवस्था पर इतना फर्क नहीं पड़ पाया। लेकिन जैसे जैसे ये हड़ताल जो कार्य बहिष्कार सफाई कर्मचारी की ओर से किया गया है वो आगे चलेगी, वैसे वैसे जो निगम की सफाई व्यवस्था है जो बड़ी मुश्किल से एक प्लेट पटरी पर आई थी वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई देगी। लेकिन लगातार प्रशासन, देखिए दोनों नगर निगम प्रशासनों की ओर से इस सफाई व्यवस्था को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने के इंतजाम के निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ही कल वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के जो संघ के जो नेता है उनकी डीएलबी अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता है वो यहाँ पर नहीं बन पाया था। यही कारण है कि आज दूसरे दिन भी जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। दरअसल देखिए पूरा जो मामला है वो दो मुख्य मांगों को लेकर है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो कांग्रेस की सरकार में निकली थी वो अभी भी उसका जारी है और उनमें ये मांग है, उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो मस्टोल के आधार पर की जाए जी। इसके साथ साथ जितने भी कोर्ट केस जो पहले सफाई कर्मचारी लंबित हैं उनको भी यहाँ पर नियुक्ति दी जाए। तो कहीं ना कहीं इन दो मांग जो प्रमुख मांग है सफाई वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की, इन मांगों पर फिलहाल सहमति है वो यहाँ पर नहीं बन पाई है। इससे पहले भी तीन बार जो सफाई कर्मचारियों के नेता है और डीएलबी के अधिकारी उनके बीच में वार्ता हुई लेकिन तीनों ही वार्ता असफल रही। यही कारण है कि मजबूरन होकर वाल्मीकि समाज के जितने भी सफाई कर्मचारी उनको हड़ताल पर यहाँ पर उतरना पड़ा। लेकिन सबसे अहम बात है कि प्रदेश में नगरीय निकायों के पास सफाई का देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपने भी देखा ग्रेटर नगर निगम में, हेरिटेज नगर निगम में सफाई व्यवस्था अब बहुत प्रमुख मुद्दा है। ऐसे में अगर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो निश्चित रूप से शहर की व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरासी जाएगी। और आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। हालांकि दोनों ही निगमों की ओर से महापौर सौम्या गुर्जर और उधर भी बात की जाए हेरिटेज कमिश्नर अभिषेक सुराणा ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए जिसमें गैराज शाखा के तमाम वाहन हैं वो फील्ड में उतारे गए। इसके साथ साथ जितने भी जोन उपायुक्त हैं उनकी भी ड्यूटी फील्ड में लगाई है कि किसी भी प्रकार से जो सफाई व्यवस्था है वो पटरी पर लाई जा सके। और कहीं ना कहीं जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण है यानी कि जो घर घर जो गाड़ियां जाती है कचरा उठाने की उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है जिससे कचरा ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पर ना आए। जी जयति, ठीक कह रहे हैं भारत आप, क्योंकि दूसरा दिन है और ऐसे में बात अगर जल्दी नहीं बनी तो फिर परेशानी हो जाएगी। लेकिन भारत ये बताइए क्योंकि जिन सभी मांगों पर ये हड़ताल जारी है जिसमें पूर्व में की गई नियुक्तियों को लेकर भी राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि पूर्व में जो बेसिकली नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर के अब आदेश निकाला जाए, वरीयता दी जाए, इस संबंध में अब तक क्या संज्ञान लिए जाने की बात आई है? डीएलबी की ओर से बैठक तो हुई लेकिन क्या एक्टिविस्ट नजर आई है इस मांगों के संबंध में भी, कितनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स में? देखिए जैसे जैसे ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी उसके बाद जो वाल्मीकि के सफाई कर्मचारियों के नेता है उन्होंने ये मांग उठाई थी कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि उन्होंने कहा था कि आमतौर पर जितने भी सफाई के काम होते हैं उसमें वाल्मीकि समाज पूरी प्रमुखता से साथ ये काम करता है, चाहे वो गटर की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे अन्य काम हो।
और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि गैर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है वो हालांकि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन जब उनका चयन हो जाता तो उसके बाद वो फील्ड में ना रहकर इधर उधर विभागों में लग जाते हैं। तो उनकी ये मांग थी कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाए, ये भी इनकी एक प्रमुख मांग थी, लेकिन इस मांग पे भी अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई सहमति यहाँ पर नहीं बन पाई है। इसके साथ उनका कहना कि सफाई कर्मचारियों की जब भर्ती हो, जब प्रैक्टिकल ऐसे में हो, तो वो मस्टरोल के आधार पर किया जाए। इसके साथ साथ जो पुराने जो लंबित मामले चल रहे हैं उनमें भी सरकार उनको नियुक्ति है वो यहाँ पर दी जाए। तो कुछ इस तरह की जो मांगे हैं वो वाल्मीकि समाज फिलहाल कर रहा है और इसको लेकर भी लगातार वार्ता का दौर है वो चल रहा है। और देखिए वाल्मीकि समाज की जो भारत आज देखने वाली बात ये रहेगी कि आज क्या निष्कर्ष पर पहुंचती है बातचीत, और उम्मीद